देखा नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ा हुआ जा
गया सूचना देने। हिरन, आखिर हुआ क्या है? हिरन फिर खरगोश से पूछता है, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी या इधर उधर ही हाँकते रहोगे? उसके बाद हिरन खरगोश से क्या बोलता है कि कुछ बताओगे भी, आखिर उसे हुआ क्या है कि या फिर तुम ऐसे ही इधर उधर हाँकते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, बोलते रहोगे? खरगोश, भाई हुआ यह है कि आज उसे खाने को जब कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछलियां खाने लगा। कौन? तो गिद्ध। खरगोश अब हिरन से बता रहा है कि भाई आज कुछ ऐसा हुआ है ना कि गिद्ध को ना बहुत भूख लगी थी, तो वो क्या नदी के किनारे चला गया। उसने देखा वहां पर एक मरी हुई मछलियां पड़ी है, तो उसने क्या किया, उसे खा लिया। उसने दो एक ग्रासी खाए थे कि बड़ी सी मछली को निगलते हुए उसका कांटा गिद्ध के गले में फंस गया। यानी कि उसने दो तीन ही ग्रास खाए थे। ग्रास का मतलब होता है कोर। ग्रास का मतलब क्या होता है? कोर। उसने दो तीन ही कोर खाए थे कि उतना में क्या हुआ ना कि जब वो मछलियों को जब ये क्या बोलते हैं निकलने लगा, मतलब अपने गले से अंदर मतलब डालने की कोशिश किया, तो वैसे ही जो उसके जो कांटे होते हैं ना वो गिद्ध के गले में क्या हुए, फंस गया। वो बहुत हंसा और उसने कई करवटे बदली पर कांटा डर से मस ना हुआ। अब खरगोश हिरन से बोल रहा है कि उसने बहुत हंसा, बहुत मतलब गिद्ध जो है बहुत सारे करवटे भी बदले, मतलब कि इधर उधर हुआ, लेकिन जो उसके गले में जो कांटा फंसा है ना वो टस के मस भी नहीं हुआ, यानी कि इधर से उधर भी हिला तक नहीं। ओके, वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया है कि ना नीचे उतरता और ना बाहर भी निकलता। अब खरगोश बता रहा है हिरन को कि वह गले में इस तरह से फंस गया है कि ना ही वो नीचे भी उतरता और ना ही वो इधर से उधर होता। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है, जल्दी करो। अब यहाँ पर खरगोश बोलता है हिरन को कि तुम ही चल के कुछ उसकी मदद कर दो, तुम ही चल के उसकी कुछ मदद कर दो, वो बहुत ही मुसीबत में है और तुम जल्दी चलो। कौन बोलता है? तो खरगोश हिरन से। अब हिरन ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गिद्ध की बात करते हो ना जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था। अब हिरन ने खरगोश से पूछा कि तुम उसी मिठुआ गिद्ध की बात कर रहे हो ना जिसने पशु सभा में रात को पहरा देने से साफ मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था। ओके, मरने दो ऐसे स्वार्थी गिद्ध को, मरने दो ऐसे स्वार्थी गिद्ध को, यानी मतलबी गिद्ध को। ओके, जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब गिद्ध को जब किसी से काम पड़ता है तो वो सिर के बल भी क्या होता है, भागा आता है। तो सिर के बल भी भागा आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की टक्कर उसी की जवान पे हो। और ऐसे यानी कि जब उसे जब काम होती है ना तो वो सर के बल भागा कर ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है वो गिद्ध जैसे कि दुनिया भर का शक्कर उसके जुबान में ही हो। इतनी मीठी मीठी बातें वो करता है, लोगों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी बातों से। किंतु जब दूसरों को उससे जरा सा भी काम पड़े तो अंगूठा दिखा देता है। किंतु लेकिन जब उससे किसी का काम पड़ता है तो वो क्या करता है, अंगूठा दिखा देता है, यानी कि साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा। ऐसे मतलब ही यार
अब यहाँ पे हिरन बोल रहा है कि ऐसे मतलबी यार के लिए यानी फ्रेंड दोस्त के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तड़पने दो, मरता है तो मरने दो, मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर हिरन बोल रहा है कि तड़पने दो, मरता है तो मरने दो, लेकिन मैं उसका नाम सुनने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। और सही बात है, बात तो यहाँ पर सही है ना। वो क्यों मदद करे, हिरन क्यों मदद करे? जब गिद्धड़ से जब कुछ काम होता है तो सांप को अंगूठा दिखा देता है, वहां से निकल लेता है। तो जब उसकी जब बारी आई मदद की तो उसकी मदद भी लोग क्यों करें? स्वार्थी मतलब ही लोग की मदद क्यों करें? क्या पता मैं अगर आज उसकी हेल्प करूँ और कल जाके फिर वो वही नेचर को फॉलो करे, तो बात तो सही है ना। उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, आगे हमारा भी दिन आने वाला है, आगे हमारा भी टाइम आने वाला है, हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, हम भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि टाइम सबका एक जैसा ही रहता है। जरूरी है नहीं है, सबका सब एक जैसा नहीं होता है। आज हम सुख में तो कल हम दुख में भी होंगे। अगर आज हमारे पास दुखी है ना तो कल हमारी झोली में खुशी भी आएगी। ओके, तो हमें ना हर तरह से, हर मोमेंट में, हर तरीके से रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो कल जाके हमारी भी कोई मदद करेगा, हमारी मुसीबतों में भी साथ देगा। अगर आज हम किसी की मुसीबत में साथ नहीं देते हैं तो कल हमारी मुसीबत में कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं। आप उसके पास गिड़गिड़ा लो, नाक रगड़ लो, झुक जाओ, तो भी कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। इतनी सी स्टोरी में हमें बहुत सारी सीख मिली है ना। तो इसको यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं और इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आपको समझ में आया ना कि स्वार्थी त्याग का क्या मतलब होता है? स्वार्थी यानी मतलब हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार फॉलो नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें क्या है ना कि हमारा जो नेचर है ना उसे हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, ना ही किसी के लिए हमारे मन में, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आने चाहिए, थिंक आने चाहिए। क्योंकि ये जो नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना वो लोगों को ना क्या से क्या बना देती है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके।